गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम लोकमान्य तिलक स्कूल स्टूडेंट्स ऑफ सेवन। वी हैव स्टार्टेड चैप्टर नंबर 17। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का 17 चैप्टर में एक्सरसाइज चल रही है और एक्सरसाइज में 6 क्वेश्चन कंप्लीट करवा चुके हैं। 6 क्वेश्चन के हमने 4th पॉइंट कंप्लीट करवा दिया है और अब आप लोगों का जो क्वेश्चन रहेगा वो क्वेश्चन नंबर 5 रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 का 5 पॉइंट। एक ट्रायंगल है ABC, इसका एक्सटीरियर एंगल कितने डिग्री है? इसका एक्सटीरियर एंगल है x और यहाँ आप लोगों का इंटीरियर एंगल 35 डिग्री। इसमें इंटीरियर एंगल 35 डिग्री और ये आप लोगों का जो दे रखा है वो 70 डिग्री। डियर स्टूडेंट्स, हमको यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है और x की जो वैल्यू होगी यानी कि एक्सटीरियर एंगल का जो मान होता है वो ट्रायंगल्स के इंटीरियर एंगल्स के सम के बराबर होता है। यानी कि हम कह सकते हैं x की जो वैल्यू रहेगी वो 35 प्लस के 70 के सम के बराबर रहेगी। जब किसी ट्रायंगल्स की वन साइड को बढ़ा दिया जाता है तो वन साइड पर बनने वाले एंगल्स का जो मान होता है एक्सटीरियर एंगल का जो मान होता है उसी ट्रायंगल के शेष दो इंटीरियर एंगल्स के सम के बराबर होता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं x की वैल्यू कितना रहेगी, 105 डिग्री। ये क्वेश्चन नंबर 6 का 5 पॉइंट था। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद आप लोगों का जो क्वेश्चन है इसमें b का मान निकालना है। क्वेश्चन नंबर 6, एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल में एक्सटीरियर एंगल दे रखा है 120 डिग्री। एक्सटीरियर एंगल 120 डिग्री है और इंटीरियर एंगल, एक इंटीरियर एंगल 98 डिग्री है और इंटीरियर एंगल है b डिग्री। बच्चों, हम अच्छे तरीके से जानते हैं कि एक्सटीरियर एंगल का जो मान होता है वो दो यानी कि इंटीरियर एंगल्स के सम के बराबर होता है। एक्सटीरियर एंगल का जो मान होता है वो इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। तो हम यहाँ बड़े आराम से कह सकते हैं कि b प्लस के 98 बराबर 120। तो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी डियर स्टूडेंट्स, b की जो वैल्यू होगी 120 माइनस के 98, यहाँ का b की वैल्यू हो जाएगी 22 डिग्री। बच्चों, हम अच्छे तरीके से इस बात को समझ चुके हैं कि एक्सटीरियर एंगल्स का जो मान होता है, एक्सटीरियर एंगल्स की जो वैल्यू होती है वो इंटीरियर एंगल्स के सम के बराबर होती है। उसी आधार पर आप लोगों के प्रश्न थे। बच्चों, क्वेश्चन नंबर आप लोगों का कौन सा हो जाएगा, 7 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 किस तरीके से दे रखा है कि यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल है। क्वेश्चन नंबर 7 है और क्वेश्चन नंबर 7 में राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 7 में राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है 90 डिग्री का और इस राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल 3x, दूसरा एंगल 2x, एक एंगल 2x है, एक एंगल 3x है। और डियर स्टूडेंट्स, इसमें जो x की वैल्यू निकालनी है, तो बच्चों हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि किसी भी राइट एंगल्स के तीनों एंगल्स का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। अगर इसमें एक 90 डिग्री हो तो शेष दो कोणों का जो सम होगा, दो एंगल्स का जो सम रहेगा उसका सम भी कितना डिग्री रहेगा, उसका सम भी बच्चों 90 डिग्री रहेगा। क्योंकि सभी का सम्स 180 डिग्री, एक 90 डिग्री है, तो शेष दो एंगल्स का जो सम रहेगा वो कितना, 90 डिग्री के बराबर रहेगा। तो बच्चों, हम वैसे पूरे ही क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, 90 प्लस के 2x प्लस के 3x बराबर 180 डिग्री लिख सकते हैं। बच्चों, 180 डिग्री से अगर हम 90 डिग्री लेस कर देते हैं तो कितने डिग्री बचता है, 90 डिग्री बचता है। यानी कि 2x बराबर हो जाएगा 90 डिग्री, तो x का मान कितने डिग्री होएगा, 45 डिग्री। आप लोग इस बात को समझ पा रहे हैं। हमने यहाँ पर क्या चीज़ सीखी है, हमने जो सीखा है कि अगर हम 180 डिग्री में से 90 डिग्री लेस कर देते हैं तो हमारा कितना वैल्यू बच जाता है, 45 डिग्री बच जाता है। बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा किस तरीके से है, आइए सीखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा सीख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरीके से है। तो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर
आप लोगों का 8। क्वेश्चन नंबर 8 किस तरीके से है, इसमें वन लाइन को बढ़ाया गया है और 95 डिग्री तक है। यहाँ पर 95 डिग्री है और ये 2x माइनस के 10 डिग्री, ये जो वैल्यू है 2x माइनस के 10 डिग्री और ये जो एंगल्स रहेगा आप लोगों का कितने डिग्री रहेगा, x डिग्री रहेगा। डियर स्टूडेंट्स, अब इस पूरे के पूरे हम क्वेश्चन को सॉल्यूशन करेंगे तो किस तरीके से करेंगे आइए सीख लेते हैं। हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल्स का जो मान होता है वो अंतः यानी कि इंटीरियर एंगल्स के टू इंटीरियर एंगल्स के सम के बराबर होता है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं x प्लस के 2x माइनस के 10 बराबर 95 डिग्री, 3x बराबर 95 इसमें ऐड हो जाएगा तो 105 डिग्री, 3x बराबर x की वैल्यू निकालनी है x बराबर 105 अपॉन 3, 3 3 9 3 5 जा 15, यानी कि x की वैल्यू कितनी होगी डियर स्टूडेंट्स, 35 डिग्री हो जाती है। अब इसके आगे जो क्वेश्चन देखा, अब क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे आइए सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेवन द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल्स आर इन द रेशियो 2:5:8, फाइंड द एंगल्स। यानी कि एक ट्रायंगल्स है और ट्रायंगल्स के एंगल्स का रेशियो जो दे रखा है, ट्रायंगल्स के एंगल्स का जो रेशियो दे रखा है एक ट्रायंगल, क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 एक ट्रायंगल के एंगल्स का जो रेशियो दे रखा है बच्चों वो किस तरीके से दे रखा, मान के चलो ए बी सी एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल्स के एंगल्स का जो रेशियो है वो 2:5:8 है। एंगल्स का रेशियो जो दे रखा है 2:5:8 है और यहाँ पर हमें प्रत्येक यहाँ पर हमें हर एंगल्स का मान निकालना, तो हम एक हर एंगल्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे डियर स्टूडेंट्स, हम 8, 5, 2 यानी कि सबको ऐड कर देंगे। तो 2 में 5 जोड़ेंगे 7, 7 में 8 जोड़ते हैं 15, यानी कि 15 यूनिट का जो मान रहेगा वो 180 डिग्री के बराबर रहेगा, क्योंकि हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल्स के तीनों एंगल्स का जो सम होता है वो कितने होता है, 180 डिग्री होता। बच्चों 1 यूनिट का मान कितने के बराबर हो जाएगा, हम 180 को कितने से डिवाइड करेंगे, 15 से डिवाइड करेंगे। अब आप लोग एक बात बताइए, जब 180 डिग्री को 15 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार डिवाइड होगा, हम सबसे पहले ये चीज़ देखते हैं। 15 वन बार भाग जाएगी, कितना बचेगा 30, 15 टू जा 30, यानी कि 1 यूनिट की जो वैल्यू हो जाती है डियर स्टूडेंट्स कितनी हो जाती है, 12। अगर 1 यूनिट का मान 12 है तो हमें 2 यूनिट 5 यूनिट और 8 यूनिट का प्रत्येक का हर यूनिट का हम मान निकालेंगे, जब हर यूनिट का मान निकालेंगे तो हर डिग्री का मान आ जाएगा। तो हम यहाँ से कह सकते हैं पहला एंगल 2 यूनिट है यानी कि 2 × 12, तो 2 × 12 अगर होता है तो आप लोगों का कौन सा 24 डिग्री, दूसरा कितना है 5 × 12 तो 60 डिग्री और थर्ड कितना है 8 × 12 96 डिग्री। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों के प्रत्येक एंगल्स था, प्रत्येक एंगल्स का मान आ गया है और इसी आधार पर हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 किस तरीके से दे रखा आइए सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कितना है, ऑन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 50 डिग्री एंड जो आपके शेष एंगल्स का रेशियो दे रखा है जो वो दे रखा है 5:7। देखिए डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का क्वेश्चन किस तरीके से आइए सीख लेते हैं इस चीज को। आप लोगों का क्वेश्चन इस तरीके से है कि एक ट्रायंगल का एक रेशियो का मान 50 डिग्री है और शेष जो दो रेशियो हैं, दो एंगल्स हैं, उसका जो रेशियो दे रखा है वो 6:7 दे, इसका 6x है, इसका 7x मान लो, यानी कि शेष एंगल्स का जो, अगर फर्स्ट एंगल्स हम 50 डिग्री माने तो सेकंड एंगल्स हम सेकंड और थर्ड का
सेकेंड रेशियो थर्ड का जो रेशियो दे रखा है वो 6:7 6:7 दे रखा है। तो हमने इसको अलग अलग लिख लिया, अलग अलग लिखने के बाद इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। बच्चों ट्रायंगल्स के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री 6x प्लस के 7x प्लस के 50 बराबर 180 डिग्री। 7 को 6 में ऐड करेंगे 13x प्लस के 13x बराबर 180 से 50 घटाएंगे 130x की वैल्यू कितनी होगी 10 डिग्री। शेष दो एंगल्स, हमारे दो एंगल्स का जो मान रहेगा वो कितना रहेगा, क्योंकि डियर स्टूडेंट्स हमें x की वैल्यू मिल गई है, जब x की वैल्यू मिल गई है तो हम प्रत्येक एंगल्स का मान निकाल सकते हैं। एक एंगल्स का तो पता 50 डिग्री, सेकेंड एंगल 6x यानी कि 6 × 10 तो कितने डिग्री आ गया 60 डिग्री, सॉरी सेकेंड पॉइंट। और थर्ड पॉइंट का मान कितना है 7x 7 × 10 यानी कि कितने डिग्री हो गया 70 डिग्री। डियर स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही काफ़ी रहेगा, इससे आगे जो क्वेश्चन रहेंगे वो कल रहेंगे। ओके बाय।